बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जॉब 2020 आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से नई नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। अगर आपके पास तालीम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है या फिर आपने बीए किया हुआ है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन जॉब्स के हवाले से तमाम तर तफसीलात बताने वाला हूँ। आखिरी तारीख कौन सी है, आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन सी पोस्ट इस वक्त अवेलेबल है, कितनी क्वालिफिकेशन की आपको ज़रूरत है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इन जॉब्स को खुद पढ़ना चाहते हैं इस पेज के ऊपर आके, तो आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर रिसर्च करना है pakmazdoori.com। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप pakmazdoori.com लिखेंगे, आपने एंटर करना है, तो आपके सामने pakmazdoori.com की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर रोजाना के बेस पर आपको सरकारी जॉब्स के बारे में तफसीलात मिल जाती हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी की जरूरत है तो आप इस वेबसाइट को कभी भी ओपन करके तमाम तर तफसीलात पढ़ सकते हैं। जो भी जॉब आपकी डिग्री के मुताबिक है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जॉब 2020। यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने तमाम तर तफसीलात ओपन हो जाएगी इन जॉब्स के हवाले से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है इंट्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास तालीम मैट्रिक है या फिर उन्होंने बी ए किया हुआ है वह इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस जॉब के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया गया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आपकी सिलेक्शन के बाद आपको तायुनात किया जा सकता है। कंपनी की बात करें तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से इन जॉब्स का ऐलान किया गया है। एजुकेशन की बात करें तो मैट्रिक से लेकर बीए तक है। ठीक है दोस्तों, पब्लिश डेट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया गया है आज ही इन जॉब्स का ऐलान किया गया है। आखिरी तारीख की बात करें तो 27 जुलाई है, आपने 27 जुलाई से पहले पहले अप्लाई कर लेना है। डेली एक्सप्रेस के न्यूज़ पेपर के ऊपर इनकी एडवर्टाइजमेंट की गई है, ये गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपको पोस्ट का नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है और उसके लिए तालीम की कितनी ज़रूरत है वो भी आपको लिखी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आपको बता दिया गया है एडिशनल रजिस्ट्रार है, इसके लिए आपको बैचलर की ज़रूरत होगी। डिप्टी रजिस्ट्रार है, इसके लिए आपको बैचलर की ज़रूरत होगी। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, तो इसके लिए आपको बीए की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसके बाद ड्राइवर है, तो इसके लिए आपको जो तालीम की ज़रूरत है वह सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है। अगर आपके पास मैट्रिक की सनद मौजूद है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट का इश्तहार भी दिया हुआ है, इसके ऊपर तमाम तर तफसीलात लिखी हुई है, आप इसको यहाँ आके पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, फाइनली बात आ जाती है आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीका कार क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है इनका और नीचे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल करें और मज़ीद तफसीलात जो भी आप लेना चाहते हैं आप इनसे ले सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके एक बटन दिया हुआ है, आपको लिंक दिया हुआ है, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने फार्म को डाउनलोड करना है, यहाँ पे डाउनलोड का आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। फार्म को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने इसके ऊपर तमाम तर तफसीलात लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस दिया हुआ है। दोस्तों, आपने इस एड्रेस के ऊपर इसको सेंड कर देना है अपने CV को इस फार्म को पूर करने के बाद। ठीक है, इस फार्म को आपने इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर, यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है इस्लामाबाद का। ठीक है दोस्तों, G152 इस्लामाबाद का एड्रेस आपको दिया गया है। अगर आपको किसी किस्म की मालूमात की जरूरत है तो आप फोन नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस फोन नंबर के ऊपर कॉल करके मजीद तफसीलात ले सकते हैं। दोस्तों, मैं दोबारा से आपको बताता चलूं, इसकी जो आखिरी तारीख है वो 27 जुलाई है, आपने 27 जुलाई से पहले पहले अप्लाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इन जॉब्स को शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ तो यहाँ पे फेसबुक के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप ट्विटर के ऊपर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर के ऊपर, ये तमाम तरह ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर आप प्रिंट निकलवाना चाहें तो प्रिंट भी आप इनका निकलवा सकते हैं, तमाम तरह ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।